A solid can resist which of the following stress? इसके ऑप्शन दिए हैं, ए टेंसाइल, बी कंप्रेसिव, सी शेयर एंड डी ऑल ऑफ दीज। ये जेई एमसीक्यू है जो कि इस क्वेश्चन को एसएससी जेई 2018 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन ये है कि सॉलिड जो है इनमें से कौन कौन से स्ट्रेस को रेसिस्ट कर सकता है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, शेयर है या फिर ऑल ऑफ दीज, तीनों को रेसिस्ट कर सकता है या फिर इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है टेंसाइल स्ट्रेस। इसे सॉल्व करने के लिए हमें तीनों स्ट्रेस को समझना होगा कि सॉलिड रेसिस्ट कर सकता है कि नहीं। ऑप्शन ए है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है कि अगर कोई मटेरियल है, सपोज कीजिए ये हमारा मटेरियल है, तो इस मटेरियल में जब हम फोर्स लगाते हैं, दोनों एंड से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स को हम जब लगाते हैं दोनों ओर से, सो इस फोर्स का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है इन टेंसाइल के केस में। तो इस वजह से जो इस मटेरियल में क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा, एलोंगेशन होगा। ठीक है, देखिए ये मटेरियल है, ये हमारा मटेरियल है, तो इस मटेरियल में जब हम फोर्स लगाएंगे, यहां हमने फोर्स लगाया, जब इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो अगर इस मटेरियल का लेंथ एल है तो फोर्स लगाने पे इसके लेंथ में स्ट्रेचिंग होगा, यानी कि इसका लेंथ कुछ बढ़ेगा है ना, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ घटेगा। तो यहां पे हमें देखना है कि इसका लेंथ जो बढ़ के एल प्लस डेल एल हो गया, ये लेंथ स्ट्रेचिंग हुआ। तो यहां हमने कौन सा फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया। अब इस वजह से, इस टेंसाइल फोर्स की वजह से जो इस मटेरियल के, मटेरियल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, टेंसाइल फोर्स की वजह से जब इसमें स्ट्रेचिंग होगा, तो स्ट्रेचिंग होगा तो मटेरियल में स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा तो उस प्रोड्यूस को कहते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मटेरियल आर टेंसाइल इन नेचर। जो फोर्स हमारा होगा, फोर्स क्या होगा, टेंसाइल होगा, नेचर में टेंसाइल होगा, टेंसाइल इन नेचर। इस वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा मटेरियल में उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, देन स्ट्रेस प्रोड्यूस इज कॉल्ड, प्रोड्यूस इज टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि ये सॉलिड रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सॉलिड में ही होता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में क्या हुआ, जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा। टेंसाइल में क्या किया हमने, इसको एलोंगेट किया, टेंसाइल फोर्स लगाया, तो जिस इस वजह से इसमें क्या होगा, बॉडी में क्या हुआ, इस मटेरियल में एलोंगेशन हुआ। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ कंप्रेसिव में इस बॉडी में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जैसे ये हमारा मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल का लेंथ एल है, तो यहां पे हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। ये हमने जो फोर्स लगाया वो क्या है, कंप्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, तो जब इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन जो होगा, तो उस वजह से डेल एल जो डिफॉर्मेशन होगा, तो बॉडी क्या होगा, कंप्रेस होगा, यानी कि ये मटेरियल जो है कंप्रेस हो जाएगा कुछ ऐसे। यहां पे मटेरियल जो हमारा डेल एल, ये जो पोर्शन है हमारा कंप्रेस हो गया, ये पोर्शन हमारा कंप्रेस हो गया। तो यहां हमने कौन सा फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया। ठीक है, यहां पे जो फोर्स होगा हमारा वह कंप्रेसिव इन नेचर होगा। कंप्रेसिव इन नेचर, और इस वजह से जो इस मटेरियल में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है
ऑप्शन सी क्या है, शेयर स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हमारा सॉलिड रेसिस्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जो किसी बॉडी के प्लेन के टेंजेंशियल लगता है। ठीक है, ये हमारा सपोज कीजिए एक बॉडी है, तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, शेयर स्ट्रेस अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं, यहां हमने फोर्स लगाया, तो इस बॉडी को क्या ये टेंजेंशियल, यानी कि ये बॉडी यहां पे डिफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहां जो टेंजेंशियली जो फोर्स हमने लगाया, तो ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ टेंजेंशियली, ठीक है, इस बॉडी के, तो यहां जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होगा शेयर स्ट्रेस। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा बॉडी है, अब इस पे हम क्रॉस सेक्शन काटे सपोज किए, ठीक है, यहां पे हमने एक्स एक्स एक सेक्शन काटा, इस बॉडी पे हमने सेक्शन काटा एक्स एक्स। अब इस बॉडी के अगर इसको हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। सो जो प्लेन के टेंजेंशियली जो फोर्स एक्ट करेगा, तो यहां पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इसे हम कहेंगे टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। तो ये भी क्या बॉडी, ये इस स्ट्रेस को भी रेसिस्ट करता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन यानी कि करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों को रेसिस्ट करता है, तो ओनली सिर्फ ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। तो ए सॉलिड कैन रेसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस, सो सॉलिड क्या है, तीनों टाइप के स्ट्रेस को रेसिस्ट कर सकता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।